अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और आसान रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है पोटैटो चीज़ ऑमलेट। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप अपने टी टाइम का भी हिस्सा बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसे अपने गेस्ट को भी सर्व करें। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज और इन्हें कद्दूकस कर लें। अब इसे उबलते हुए पानी में 1 मिनट तक बॉईल करें, चाहे तो आप बॉईल ना करें। मैंने जस्ट इनका बादीपन दूर करने के लिए इनको बॉईल किया है। आप चाहें तो आप आलूओं की जगह पे आप नूडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नूडल्स को भी यूज़ करने का सेम यही मेथड होगा। उसको भी पहले से हम उबाल लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। जब 1 मिनट के लिए आलू उबल जाएं तो इसको हम छाननी में डाल के इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज कर लेंगे। अच्छी तरह से पानी को निकाल दें और इसको ठंडा करने के लिए रखें। अब एक पैन लें और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल करें और इसे थोड़ा सा गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें अपने पोटैटोज को शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से सोटे करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम अपने आलुओं को सोटे करेंगे। हमने इनको इतना पकाना है कि ये गल जाएं, ताकि जब हम इनको बाद में अंडों में डाल के पकाएं तो ये अच्छे से गले ही हुए हों, हमें कच्चापन ना महसूस हो। आलूओं को अच्छे से सोटे करें। जब आलू गल जाएं तो इसकी आंच बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बाउल लें और उसमें 3 अंडे शामिल करें। आप चाहें तो अंडों की क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 अंडे ही यूज़ किए हैं। अगर आप ज़्यादा अफराद हैं या कोई ज़्यादा मेहमान आए हैं तो आप यहाँ पर 3 से ज़्यादा ही अंडे इस्तेमाल करेंगे। जितने अंडे ज़्यादा होंगे उतनी ही सब चीज़ों की क्वान्टिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इस हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है ओमिट कर दें। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 चुटकी ओरिगानो, और अगर आपके पास ओरिगानो भी नहीं है तो इसे भी स्किप कर दें। 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं था तो आप अपना रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून रखेंगे। इसके साथ ही जाएगा इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, और इसको अच्छे से मिक्स करें। और इसके बाद साथ ही इसमें जाएगा आलू कद्दूकस किए हुए, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, कहीं कोई लम्स ना रह जाए। लाइक दिस, देखें अच्छे से मिक्सअप हो गया है। अब एक पैन लें और इसे दोबारा से 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे गर्म होने दें, और इसमें अंडों का मिक्सचर पोर करेंगे और इवनली हर जगह पे स्प्रेड करेंगे। अच्छे से स्प्रेड करना है कि कहीं मोटा और कहीं पतला ना आए, एक जैसा ही इवनली स्प्रेड हो हर जगह पे। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आप इसमें अपनी मर्जी की तमाम चीज़ों की टॉपिंग करेंगे। आप चाहे तो इसमें अपनी किसी भी तरह की वैरायटी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर प्याज़ों की और हरी मिर्च की टॉपिंग यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च और टमाटोज और कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, व्हाटएवर, आप इसमें उसकी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली टमाटोज नहीं पसंद एग में, इसीलिए मैंने नहीं यूज़ किए। और लास्ट में हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। ये मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद साथ ही चेडर चीज़ भी डालेंगे। मेरे पास यहाँ पर इस टाइम चेडर चीज़ के स्लाइसेस मौजूद है, इसीलिए मैं वो ऐड करूँगी। आप चाहे तो कद्दूकस की हुई चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। आप इसमें इसको और भी कलरफुल बनाने के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक टमाटोज, बेल पेपर्स एक्सेट्रा। बट मैं यहाँ पर अपना रेसिपी सिंपल ही रख रही हूँ,
क्योंकि मुझे पर्सनली टमाटोज अंडों में मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते। खैर, तमाम चीज़ों की टॉपिंग करने के बाद इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से ये स्टीम में ही कुक हो जाएगा। अगर ज़रूरत हो तो आपने अपना ऑमलेट को पलटना है, अदरवाइज नो नीड टू टर्न दी ऑमलेट, ये स्टीम में ही कुक हो जाएगा। जी तो हमारा ऑमलेट रेडी है, 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमने इसको अनकवर किया और देखा, अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा पोटैटो चीज़ ऑमलेट। देखें ये कितने अच्छे से कुक हो चुका है, हमने इसको बिल्कुल नहीं पलटा, ये सारे का सारा स्टीम में ही कुक हुआ है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा अंडे डाल के इसकी और मोटी तह भी बना सकते हैं। जी तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।